अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं, इन जॉब्स के लिए आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनका कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर जो है वो ये जॉब्स आई हुई हैं, जो लेटेस्ट जॉब्स हैं इस वक्त जो जून के महीने में एंड होंगी, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू लेटेस्ट जॉब्स के अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो डियर कैंडिडेट्स, इन तमाम आर्टिकल्स की लिंक जो सा है वो या इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग जाके एड्स एडवर्टीजमेंट को ख़ुद भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें रीड आउट भी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास एडवर्टीजमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से है। पेट्रोलियम डिवीज़न के अंदर भी जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई थी ये वो है। इसमें आप लोगों को अच्छा सैलरी पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस को लाजमी जो है इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। इसको तो मैं खैर रीड आउट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इस वक्त आपको के सामने है कि स्मॉल वर्डिंग के अंदर मौजूद है। जब आप मोबाइल के अंदर इसको जूम आउट करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सैलरीज हैं वो 3-3 लाख, 1-1 लाख के अबव हैं, और समटाइम्स सम पोस्टेस ऐसी भी हैं जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा आप लोगों को सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो जब जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा सैलरी है तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी उतना ही रिक्वायर्ड होगा। खैर, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट जो एडवर्टीजमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का है। इसके अंदर आप लोगों की असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है वो तमाम आप लोगों की इसी इन एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होंगी। देखें, मैं इसी एडवर्टीजमेंट के ऊपर आप लोगों को समझा देता हूँ। जब आप लोग एडवर्टीजमेंट रीड करें ना, तो ऐसे हाइपर ना हुआ करें कि जी ये मतलब क्या वीडियो से ही नहीं बता रहे या अप्लाई का प्रोसीजर नहीं बताया। तो आप लोग जो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों लिंक प्रोवाइड की जाती है ना, उसमें आया करें, उसमें आके इस एडवर्टीजमेंट को रीड आउट किया करें। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है इन लोगों ने। तो आप लोग ऐसे ही जो सा हाइपर हाइपिक ना हुआ करें कि जी मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखें, क्लियरली मैंशन किया हुआ कि जी नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ फर्दर जो सा है वो मैंशन किया गया कि भाई ये आप एप्लीकेशन जो है वो उसके थ्रू अप्लाई नहीं होगी, मतलब बाय हैंड आप लोग अप्लाई नहीं, ऑनलाइन ही आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है ये वजारत दिफा का है। इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियाँ आई हुई हैं, दर्जा 4M की भर्तियाँ हैं। इसमें मैं अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फ़िल करना है उससे रिलेटेड तमाम गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे नीचे, तो इस वीडियो को आप लोग जाके फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर मैंने बताया कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहा है कि वो है जी NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फर्टिलाइज़र। इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो लेक्चरर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसीज आई हुई हैं। और नेक्स्ट जो सा डिपार्टमेंट है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स फेडरल फूड कमीशन की भर्तियाँ हैं। इसके अंदर कौंसलेंट पुलिस HR की, पॉलिसी HR की, कौंसलेंट लीगल ट्यूनर की वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये तो आप लोगों के सामने, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो सा है पाकिस्तान आर्मी में फीमेल कैप्टन की रजिस्ट्रेशन जो सा है वो स्टार्ट है, और इसके अंदर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्ट खैरी कल से जो सा है जॉब्स के लिए वो ऑनलाइन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो फील्ड्स जो से वो मैं आप डिस्कस कर देता हूँ। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स और सिग्नल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्मी सर्विस क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑफ ऑर्डिनेंस, क्रॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी एजुकेशनल क्रॉप्स के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं। इसके अंदर 12 जून से 22 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी ऑनलाइन वीडियो मैं बना दूंगा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है।
नेक्स्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी में है जी, मुजाहिद फोर्स के अंदर। यहाँ पर जो है वो कुछ यूनिट्स के अंदर जो है वो भर्तियाँ क्लोज हो गई हैं, जिसमें ड्राइवर और कुक की जो वैकेंसीज थी यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी आई थिंक 6 डेट थी लास्ट अप्लाई करने की। बाकी जो जनरल ड्यूटी सिपाही को और क्लर्क की और इसके अलावा सैनिटी वर्कर की जो है वो वैकेंसीज अभी भी अवेलेबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इन डेट्स को आप लोगों ने इन इन भर्ती सेंटर्स के अंदर जाना है, वो यहाँ पर सारे सखर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद, नुशेरा फरोज, यहाँ पर जो भर्ती सेंटर हैं वो मेंशन किए गए हैं। इन भर्ती सेंटर्स को विज़िट करके आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी में आप लोग फीमेल कैंडिडेट जो है वो आप नर्सिंग के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकती हैं। तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया गया है कि आप लोगों की जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और इंटर भी आप लोगों की प्री मेडिकल के अंदर हो, आप अनमैरिड हों और सेपरेट हों, डिवोर्स डिवोर्सी भी हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट और हाइट लिमिट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। अप्लाई इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे करना है कि जी इसकी पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, ऑनलाइन आप लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2020 है, तो इसके अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 19 डेज अवेलेबल हैं, आप लोग इजीली इनके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारे पास पाकिस्तान नेवी का है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर जो लास्ट डेट है वो आज मतलब 11 तारीख ही है, तो आप लोग रात 12 बजे से पहले पहले जो इंसान जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इन जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हैं जी SSC के अंदर। यहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, होप कि आप लोगों ने पहले से ही अप्लाई कर लिया हो। तो यहाँ पर मैं जो ब्रांचेस हैं उनके नाम जल्दी से बता देता हूँ, जिसमें ऑपरेशन ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सप्लाई, वेपन इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, मेडिकल, और इसके अलावा एजुकेशनल ब्रांच, और इसके बाद स्पेशल ब्रांच, लॉ ब्रांच के अंदर जो सब वैकेंसीज आई हुई थी। तो लास्ट डेट है इसके अंदर, अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारे पास जी वो है जी GHQ रावलपिंडी में जॉब्स आई हुई हैं। 17 जून इसके अंदर लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अप्लाई का प्रोसीजर यहाँ पर भी मैंने ऊपर मेंशन किया गया है, ठीक है। जिसमें जो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट फोरमैन की, रिसर्च असिस्टेंट पंजाब KPK और पंजाब से जिन सब अप्लाई कर सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइज़र, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोरमैन और नायब कासिद की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने फिल करके यहाँ पर जो गिवन एड्रेस है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं और भी आई थिंक वो भी हाँ जी ये लिखी हुई है यहाँ पर। 200 का पोस्टल ऑर्डर आप लोगों ने इसके साथ अटैच करना है, वो अटैच करके आप लोगों ने इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पर जो ये एड्रेस नीचे मेंशन किया गया है, इस एड्रेस के ऊपर जो है वो आप लोगों ने जिन है वो सेंड कर देनी है। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास है वैकेंसीज, ये टीचिंग की वैकेंसीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर आई हुई हैं लेटेस्ट, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर मोस्टली जो है वो वैकेंसीज हैं, यानी कि जो आर्मी के स्कूल्स हैं इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी वगैरह के टीचर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूजिकल म्यूज़िक टीचर और क्लर्क ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये एंटी नारकोटिक फोर्स के अंदर आई हुई हैं वैकेंसीज, इसके अंदर 20 जून तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट का आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है इसलिए यहाँ पर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, बट जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो वो मैंने आपको पूरा एडवर्टीजमेंट जो है प्रोवाइड किया था। होप सो कि जब आप लोग वेबसाइट विजिट करें तो आपको पूरा एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर इंस्पेक्टर की भी भर्तियाँ आई हुई हैं, और जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं, और सिंध वाले कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसीजर ये है कि आपने IBA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिबा टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें, वहाँ जाके आप लोगों ने जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट वैकेंसी हमारे पास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके अंदर आप लोग लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60
सॉरी 62 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, वैकेंसीज के नेम हैं जिसके ऊपर ये वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें भी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आप लोगों ने अप्लाई का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर लेनी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की। इसके ऊपर जाके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आप लोगों ने उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे वो अटैच करके इन इस एड्रेस के ऊपर जो है वो लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर देना। आई थिंक इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून से पहले आप लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है मेरे पास यहाँ पर जी, महकमा वफाकी मुहतसिब सरकारी के अंदर, इसमें डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियां आई हुई हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एडवाइज़र, लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टेनोटाइपर्स, लोअर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर स्वीपर की वैकेंसीज आई हुई हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अवेलेबल हैं जॉब्स। इसके लिए आप लोग की जो पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट कोटे के ऊपर, ठीक है। और इसके अप्लाई का प्रोसीजर जो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ आपने, आप लोगों ने यहाँ पे जो CV दी हुई है इस CV के ऊपर, और सॉरी CV कह रहा हूँ, CV आपने सेंड करनी है इस ईमेल के ऊपर, यहाँ पे जो ईमेल प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ये थी गाइस टोटल ऑलमोस्ट के 10 जो मैंने थंबनेल के अंदर जो आप लोगों ने देखे होंगे मैंने लगाया हुआ कि जी 10 बड़े महकमे के अंदर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो आप लोग जो है इसके अंदर अप्लाई कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अलावा भी हैं, तो आप लोगों को जो इसकी जो वैकेंसीज होंगी वो चैनल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो सिविलियन के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिसके रिलेटेड जो है मैंने अभी तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसमें CTD पुलिस भी आ जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी भी आ जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। और सबसे मज़े की बात कि जेल पुलिस का तो अभी तक इसमें मैंने जिक्र ही नहीं किया, जिसमें आप लोग 20 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, मुख्तलिफ़ रीजन्स की हैं, और मुख्तलिफ़ रीजन्स के अंदर उन रीजन्स के जो कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल होल्डर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी अप्लाई कैसे करना है वो सारी वीडियोज़ जो उनसे आपको चैनल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बने बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिस जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।